दोस्तों माना कि आपकी फिक्स रेट की दुकान है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दुकान के ऊपर ऐसा कस्टमर आ जाता है जो मोल भाव करना चाहते हैं और आपकी दुकान के ऊपर बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं। या तो आपको उस कस्टमर को मना करना पड़ेगा या फिर आप उस कस्टमर को डील करेंगे तो वे जो दूसरे कस्टमर बैठे हुए हैं उन कस्टमर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस बात का कि फिक्स रेट है और मोल भाव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। जब भी कस्टमर आता है तो ज़्यादातर जो मोल भाव वाले कस्टमर है और वहां पर फिक्स रेट लिखा देखते हैं तो आकर के यही पूछता है क्या आपका एक ही दाम है रेट का, और इतना कहकर जब आप हाँ में गर्दन हिला देते तो वापसी चलने लगता है। तो आपको उसे वापसी नहीं जाने देना, उसको रोकना है और कहना है सर आप बैठिए, आपसे अभी हम बात करते हैं, आपको जो चाहिए प्रोडक्ट वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो वे कस्टमर पहले बैठे हुए उन कस्टमर को आप फ्री कीजिए, फ्री करने के बाद उस कस्टमर से बात कीजिए, कहिए कि सर आपको फिक्स रेट में क्या दिक्कत है। फिक्स रेट में तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, एक तो समय बचता है और जिस रेट को आप मोल भाव करने के बाद हमसे लेकर के जाते हो उसी रेट में सिर्फ एक दो बार के संवाद में हम आपको वो माल दे देते हैं। बात उतनी आनी है कि देखिए मोल भाव में जब आप करते हो तो जो रेट 200 रुपए का वो पहले ही 250 रुपए का बता दिया जाता है, जिससे कि तोड़ करके कस्टमर को 200 रुपए दे दिया जाता है। बस आप अपने मन को समझा लेते हो कि हाँ हमने तोड़वाया है, मगर उसमें एक ना एक दिन आप ही लोग लूटते हो। तो आप उससे प्रोडक्ट पूछिए, प्रोडक्ट दिखाइए और उसे बताइए कि बताइए ये प्रोडक्ट जो है हमारा इतने रुपए का है, बताइए कहाँ पर महंगा है। तो उस कस्टमर की समझ में आपका रेट आएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा और हमेशा आपकी दुकान पर वो कस्टमर बन करके रहेगा। मैंने बहुत सारे दुकानदार देखे हैं फिक्स रेट की दुकानें, और जो कस्टमर फिक्स रेट पूछकर जाता है कि फिक्स रेट है या मोल भाव वाला है और वो वापसी चला जाता है, उसे रोकते नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, इससे आपके कस्टमर टूटते हैं। उसे समझाइए, बैठाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, अपना रेट बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।